हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल व्लॉग्स बाय गीता शर्मा। मेरे इस चैनल पर आप हर तरह की वीडियो देखते हैं, कपड़ों से रिलेटेड भी और ज्वेलरी से रिलेटेड भी, और जो भी कुछ मैं डीआईवाई करती रहती हूँ वो सब मैं आपको दिखाती रहती हूँ। तो आज इस वीडियो में भी अपनी कुछ कलाकारी आपको दिखाने वाली हूँ। जैसे कि इतने छोटे छोटे कपड़ों का, जैसे कि ये छोटा सा कपड़ा है, इसका आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। जितना मैं आपको जानती हूँ, आप ऐसे छोटे छोटे कपड़ों को फेंक देते होंगे। जो कढ़ाई वाले कपड़े होते हैं, जैसे कि सूट में से बच गया, जैसे कि साड़ी में से थोड़ा सा बच गया, दुपट्टे में से बच गया, तो आप उनको फेंक देते हैं। पर मैं उनका भी यूज करती हूँ। कैसे करती हूँ वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। छोटे से छोटे पीस को भी आप इस वीडियो को देखने के बाद फेंक नहीं पाएंगे, ये तो मुझे पता है। क्योंकि जिनको सिलाई से प्यार होता है ना, वो अगर कोई चीज देख लेते ना, आइडिया उनको अगर अच्छा मिल जाता ना, तो वो आगे ना बचत करने लगते हैं हर चीज की। हर चीज को फेंकने से पहले ये सोचने लगते हैं कि अरे यार, इसमें से कुछ बन तो नहीं जाएगा। तो ऐसा ही करेंगे आप अगर आप सिलाई से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट कि ऐसे छोटे छोटे पीसीस में से मैं क्या करती हूँ। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं देखती हूँ कपड़ा हमेशा कि कपड़े में क्या क्या चीजें मेरे काम की है। जैसे कि ये नेट का कपड़ा मेरे पास है, छोटे सा पीस, ये ज्यादा बड़ा नहीं है। इसमें बने हुए हैं बहुत ही सुंदर से फ्लावर, फ्लावर पर लगे हुए हैं नग। और ये नग मैं आपको बताऊं, इतनी मजबूती से लगे हुए हैं, बिल्कुल एक भी नग जो है निकल नहीं रहा है, बहुत मजबूती से लगे हुए हैं। तो कपड़े में हमेशा पहले मैं ये नोटिस करती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैं निकाल सकती हूँ। तो इसके फ्लावर मेरे बड़े काम के हैं, तो मैं ये फ्लावर निकालती हूँ। और देखना, इसका बहुत ही अच्छा यूज़ भी मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या क्या यूज़ करूँगी, इसका भी मैं अलग से यूज़ करूँगी, ये भी बड़े काम की चीज़ है। तो सबसे पहले मैं फ्लोवर का ही यूज़ करती हूँ। आपका कपड़ा कैसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये मेरे पास नेट का है, ऐसी कढ़ाई का है, तो आपका कैसा भी हो सकता है। पर आप कपड़े में हमेशा ये चीज़ नोट कीजिए, जैसे कि इसमें फ्लोवर है, किसी में पत्ती बनी हो सकती है, या किसी में किसी भी तरह का डिज़ाइन हो सकता है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे यूज़ करना है वो भी पता चलेगा आपको। तो मैंने बिल्कुल बहुत ज़रा ज़रा सा कपड़ा इसमें, मतलब नेट छोड़ी है, और इसको मैंने चारों तरफ से कट कर लिया है। अब इसमें एक्स्ट्रा नेट नेट जो बची है ना पत्तियों के बीच में, वो भी मैं हल्की हल्की सी कट करूँगी। ऐसे हल्का हल्का सा आप निकाल दीजिए। कुछ भी आप बना रहे हैं, फिनिशिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फिनिशिंग नहीं है आपके काम में, तो आप कितनी भी अच्छी चीज़ को बनाइए, बेकार लगेगी। तो मैंने ये दोनों फ्लावर निकाल लिया। अब मैं इसको ना जला लूँगी, जैसे मोमबत्ती से हम जला लेते हैं ना, इससे जो है इसकी फिनिशिंग और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ये देखिए, जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ था ना, नेट बची थी, वो भी बिल्कुल एकदम क्लियर हो गई है, फूल अलग से हो गए। अभी ये मुड़े हुए हैं ना, अभी ये बहुत ही मजबूत हो जाएंगे, और जो हल्के हल्के से मुड़े हुए हैं ना, बिल्कुल ये सीधे हो जाएंगे। अभी मुझे क्या करना है, एक फ्लावर को दूसरे फ्लावर के ऊपर ऐसे बिल्कुल पत्तियों को मिलाते हुए रखना है। देखिए, मैं ग्लू वगैरह का ज़्यादा जो है यूज़ नहीं करती हूँ, या ग्लू गन का नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लगता है ना कि कहीं खुल ना जाए, बेकार ना हो जाए। तो मैं हमेशा कुछ भी बनाती हूँ, चाहे मैं कोई ज्वेलरी कुछ भी बनाऊँ, मैं हमेशा सुई धागे से पक्का काम ही करती हूँ। तो चारों तरफ से हम इस पे बिल्कुल फिनिशिंग से बारीक बारीक इस तरीके से टांका लगा देंगे, जैसे कि हम आई बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे भी बना देंगे। तो एक चैन सी बनती चली जाएगी साइडों में भी, जो कि और भी फिनिशिंग इसमें आएगी, और भी सुंदर ये लगेगा। ये देखिए, ऐसे ही बहुत सारे यूज़ बताए हैं मैंने, छोटे छोटे टुकड़ों को भी, बड़े बड़े टुकड़ों को भी। तो आप मेरे चैनल पर बहुत सारे तरह की वीडियो देखेंगे सिलाई से जुड़ी हुई। तो ये मैंने बिल्कुल जो पत्तियों के बीच की जगह है ना, वो भी मैंने अच्छे से सिल दी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना फिनिशिंग से, ये देखिए पूरा ये सिल गया है, साइड से भी आप देख सकते हैं, कहीं से कोई धागा बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। अभी हल्की सी जो पत्ती है ना, इसको मुझे हल्का सा मोड़ कर और टांके लगाने हैं। जैसे ये ऊपर वाली पत्ती है, इसको मैं हल्का सा और मोड़ लूँगी, और अच्छे से इसको भी टांके लगा दूँगी। ये देखिए, ऐसे लगा दूँगी मैं इसको, ये मैंने लगा दिए हैं। और ऊपर की तरफ ना मैंने एक आई बना दी। अब इसका यूज़ क्या क्या हो सकता है, ये एक बटन की तरीके से यूज़ किए जा सकते हैं, ये लटकन की तरीके से यूज़ किया जाता है। ऊपर मैंने जो आई बनाई है ना, उससे ये किसी भी तरीके से यूज़ किए जा सकते हैं। और देखिए, मैंने एक नया और तरीका सोचा है कि
कैसे यूज कर सकते हैं ये। मैंने इसके अंदर डाल दी हैं अपनी छोटी छोटी सी बालियां, जिससे कि ये बहुत ही सुंदर गोल्ड की बालियां बन गई हैं। कपड़े से हमने बना ली हैं गोल्ड की बालियां और बिल्कुल एक धागा भी नहीं इसका निकल रहा है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये हाथ से बने हुए हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि ये मेटल के ही बने हुए हैं। और इसमें इतना वजन भी हो गया, मोटे भी हो गए हैं, दो दो फ्लावर जुड़े हैं ना तो मोटे भी हो गए हैं और काफ़ी सुंदर भी लग रहे हैं। इसके अंदर अगर मैं टॉप्स लगा दूं तो कैसे लगेंगे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे लगेंगे अभी आगे। तो ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे, पहन के भी मैंने देखे तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। यही टॉप्स हैं सिर्फ मेरे पास, आपको पता है मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी कम पहनती हूँ तो टॉप्स मैंने लगा दिए हैं। टॉप्स के साथ भी ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। बाकी आप लटकन की तरह यूज़ कीजिए, बटन की तरह यूज़ कीजिए। एक बटन भी अगर आप मार्केट में खरीदते हैं तो वो भी 10 रुपये का आता है। आगे भी मैं दिखाती हूँ आपको और भी किस तरीके से मैंने छोटे से टुकड़े का यूज़ किया है। वीडियो पर आप पूरे बने रहना। एक छोटा सा पीस मेरे पास ये है मैरून कलर का, देखिए कुछ ज़्यादा नहीं है। ये सूट के साइडों में से बचे हुए टुकड़े हैं छोटे छोटे, कढ़ाई का एक भी टुकड़ा नहीं फेंकती हूँ मैं, ये साइडों में से मैंने सील दिया है। सीलने के बाद ये देखिए एक ऊपर की तरफ मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ दी है, इसमें छोटी छोटी पतली पतली कतरे भर दिए हैं। इसको अच्छे से फुला सी लिया, ज़्यादा नहीं फुलाना है, हल्का सा फुला सी लिया है। तो ये एक ऐसा बन गया है, फर्स्ट स्टेप ही हो गया, सेकेंड ही हो गया। उसके बाद मैंने नीचे दो घुंघरू लगाए हैं, फिर नीचे बीट्स मेरे पास पड़ी हुई थी, एक मोती मैंने लगाया है और नीचे लगाई है मैंने नेट। कितनी प्यारी ये एक लटकन रेडी हो गई है, कितना प्यारा एक बटन रेडी हो गया। अगर ऐसे बटन आप लाएंगे तो एक एक बटन 15-15, 20-20 रुपए का मिलता है। तो बच्चे के कपड़े से हम इतनी महंगी महंगी चीज़ें बना सकते हैं। ऊपर भी मैंने आई बना दी है इसमें। अब मैंने सोचा यार एक कलाकारी और करके देखूँ, इसके अंदर भी मैं टॉप्स डालकर देखती हूँ। तो मैंने इसके अंदर भी टॉप्स डालकर देखे तो वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे। अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि वो टॉप्स, एक ही जोड़ी दो जोड़ी टॉप्स मेरे पास है, मैं नहीं पहनती हूँ ज़्यादातर ऐसे। तो टॉप्स मैं यही वाले डाल देती हूँ, अगर मेरे पास गोल्डन होते ना तो गोल्डन वाले बहुत ही सुंदर लगते। तो ये मोती वाले डाल के मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे लग रहे हैं। ये देखिए गोल्डन वाले होते ना छोटे छोटे तो वो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये भी ठीक ठाक ही लग रहे थे इसके साथ। तो ये मैंने एक नया वो कर लिया कि अगर आपकी छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी लटकन मिल जाए तो आप उन्हें टॉप्स की तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ऐसे कुछ नए नए आइडियाज़ मैं सोचती रहती हूँ और करती भी रहती हूँ। आप मेरे चैनल पर बहुत कुछ सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट कर मुझे ज़रूर ही बताना कि कैसा लगा है आपको ये आइडिया। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये आइडिया प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। आने वाली वीडियोस में बहुत कुछ है आप लोगों के लिए देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर। बाय फ्रेंड्स, बाय।